लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी एमएलए मंदाताई महात्रे ने आज नई मुंबई महानगर पालिका को दो नए एम्बुलेंस भेंट दिए। मनपा प्रशासक अभिजीत बांगर ने इसका लोकार्पण करते हुए विश्वास जताया कि इससे नई मुंबईकरों को बेहतर आरोग्य सेवा सुविधाएं दिलाने में मदद मिलेगी। वहीं खुद विधायक मंदा महात्रे ने कहा कि कोरोना काल में नागरिक एम्बुलेंस के लिए हजारों रुपए चुकाने को मजबूर हैं, उन्हें राहत मिले और झोपड़पट्टी इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन में मदद मिले, इसी मकसद से मनपा को यह मदद दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 करोड़ की विधायक निधि दे चुकी मंदाताई महात्रे महाराष्ट्र की इकलौती ऐसी विधायक हैं जिन्होंने उपचार सेवा के लिए 7 एम्बुलेंस की भेंट दी है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबईकरों को कोरोना से बचाने और आरोग्य सेवाओं को बेहतर बनाने के मकसद से आज बीजेपी विधायक मंदाताई महात्रे ने मनपा को 2 नए एम्बुलेंस भेंट दिए। मनपा प्रशासक अभिजीत बांगर ने आज इन एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। इससे पहले बीजेपी विधायक 5 एम्बुलेंस दे चुकी हैं। असल में मंदाताई महात्रे महाराष्ट्र की इकलौती विधायक हैं जिन्होंने कोरोना काल में मनपा को 7 एम्बुलेंस की भेंट दिया है और ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 करोड़ की विधायक निधि भी दी है। नए एम्बुलेंस के लोकार्पण अवसर पर मंदाताई महात्रे ने कहा कि विधायक निधि जनता का पैसा है और कोरोना काल में यह जनता के काम आ जाए तो इससे बेहतर क्या है। उन्होंने एम्बुलेंस को झोपड़पट्टी इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल क्लिनिक के तौर पर इस्तेमाल करने का सुझाव देते हुए विश्वास जताया कि इससे नई मुंबईकरों को बेहतर आरोग्य सेवाएं देने में मदद मिलेगी। मंदाताई महात्रे ने जरूरत पड़ने पर और विधायक निधि देने का भी भरोसा दिलाया। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने सर से चर्चा की है अभी, कि एम्बुलेंस से अपन सब गांव-गांव में और झोपड़पट्टी में जाकर अगर लसीकरण मुहिम इसके माध्यम से करेंगे तो हमको कोई जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिरता दवाखाना, एक फिरता आरोग्य सेवा पब्लिक के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट है वो अगर उपलब्ध होगा, अभी चल रहा है प्रोसीजर है, मुझे लगता है अभी सर खुद बताएंगे कि कब तक वो कवर होगा और उसके लिए भी मैंने 1 करोड़ का निधि दिया है और मैंने सर को बोला है अगर ज़्यादा भी निधि चाहिए तो हम देने के लिए तैयार, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक के लिए देना अपना फर्ज बनता है। एम्बुलेंस लोकार्पण के अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटिल, विजय घाटे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने भी विधायक मंदाताई महात्रे द्वारा दिए जा रहे आर्थिक सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए आभार जताया। आयुक्त ने चेताया कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर आनी तय है, इसका नवी मुंबई के स्लम इलाकों में सबसे ज़्यादा असर होने की संभावना है, ऐसे में विधायक मंदाताई महात्रे की एम्बुलेंस जैसी मदद इसे रोकने में मददगार बन सकती है। कोविड की थर्ड वेव जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए महानगर पालिका की तरफ से काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सेकंड वेव का जो एक्सपीरियंस है उसके बैकग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना बाकी है। ओपनिंग अप के बाद, अनलॉक करने के बाद थोड़ी संख्या हमारी बड़ी हुई दिख रही है पिछले 4 दिनों से, और उसकी वजह से तो जो भी टाइम पीरियड हमें मिलेगा उसमें जो सारी चीज़ें करनी है उसमें एम्बुलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट बाब है। एम्बुलेंस की उपलब्धता से लोगों को काफ़ी मदद होती है और मुझे विश्वास है कि सम्माननीय आमदार मैडम ने जो आज एम्बुलेंस उपलब्ध करके दी है उसके जरिए लोगों को एक सुविधा महानगर पालिका की तरफ से जब दी जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।